बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। भीम, अगर हम अब पतंग खरीदने नहीं गए ना तो सारी अच्छी पतंगें बिक जाएंगी। फिर पतंग उड़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सही कहा राजू, चलो चलकर पतंग खरीदते हैं। इतनी महंगी पतंग? नहीं नहीं, इसका दाम आपको कम करना ही होगा। पर इसमें रंग भी इतने सारे हैं ना भाई। अरे वाह, लगता है बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली, अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा, वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। ये देखो। चलो अब मैदान की तरफ चलकर पतंग उड़ाते हैं। शायद किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा, मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ। ये सारे बच्चे, ये अब तो जरूर मुझे कोई ना कोई उड़ाएगा। वाह राजू, उनकी पतंग तो दो मिनट में फुस हो गई। वो भी राजू के हाथों। क्या कहा तुमने? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भागो! रुचो! नहीं छोड़ूंगा। रुचो बोलो। मुझे माफ करना कालिया। आइसक्रीम ठंडा है, आइसक्रीम जल्दी पिघल ले। दोस्ती कर सकते हो, तुम तो जानते हो ना
कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? मस्त परांठे बनाओगे? परांठों के साथ मैं खुद उसे लस्सी बनाकर दूंगा। जरूर गोगी बाबा। को एक आखिरी मौका दे दो कालिया। हाँ सर, बेचारा गोगी। चख कर तो देखो ना कालिया। प्लीज। अलग अलग जगह जाता हूँ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। इतने उदास मत हो। हाँ, हम हैं ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। सच? बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि इस साल तो मैं भीम को हरा ही दूंगा। ठीक है। तो क्या कहते हो, इस बाजी में बनोगे मेरी पतंग? बिल्कुल भीम। दोनों प्रतियोगी अपनी अपनी पतंगे आसमान में उड़ा चुके हैं। कालिया ने अच्छी कोशिश की, पर भीम को हराना आसान नहीं। ढीले खींच दे, ढीले खींच दे, चल काई पोछे, काई पोछे, काई पोछे। लाली पीली और हरी नीली प्यारी पतंग है तेरी मेरी। लाली पीली और हरी नीली प्यारी पतंग है तेरी मेरी। आसमान में उड़ती चढ़ती हवा के साथ साथ कूदती खेलती लाली पीली और हरी नीली प्यारी पतंग है तेरी मेरी। कितनी ऊंची उतनी ही छोटी, ऊंचाई में कभी न हिलती, सभी नन्हे बच्चों को सिखाती। ऊपर चढ़े पर रहे विनीति, ऊपर चढ़े पर रहे विनीति। लाली पीली और हरी नीली प्यारी पतंग है तेरी मेरी। लाली पीली और हरी नीली प्यारी पतंग है तेरी मेरी।